हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है जन्माष्टमी और आज चैलम भी है। और ये देखिए, ये मेरे भतीजे और हैदर जोया के दोस्त हैं। और आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ मैं। तो छुट्टी है, छुट्टी का दिन है, तो ये लोग आज यहाँ टाइम स्पेंड करने आए हैं। इन लोगों की बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है और मुझे भी अच्छा लगता है, जोया पापा को भी अच्छा लगता है जब ये आ जाते हैं। तो गाइस, कल से तो आपको मालूम है मेरे गले में दिक्कत है, तो आपको मेरी आवाज में भी प्रॉब्लम लग रही होगी। मेरा गला भारी होता जा रहा है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन इतनी खराब भी नहीं है, बस थोड़ा सा गले पे असर हुआ है इसका। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये बच्चे खेल रहे हैं, बारिश हो रही थी और बच्चे फिर अंदर आ गए और अब बच्चे खेल रहे हैं। जोया पापा गए हैं बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने, चीज लेने के लिए, कि अपना खेलते रहेंगे और खाते पीते रहेंगे। खाना मैंने पूछ लिया था तो खाना बता रहे हैं दोनों के खाकर आए हैं। ये तो मैंने कहा था खाना खा लो, तो अभी जो चीज रखी थी वो पैकेट मैंने निकाल के दे दिए, ज्यादा नहीं रखे थे। तो फिर जोया पापा गए हैं, आते ही होंगे लेकर। जो पापा ले आए हैं, आप देख सकते हैं चॉकलेट चिप्स लेकर आए हैं। अब ये लोग अपने खाते पीते रहेंगे और खेलते रहेंगे। तो फिलहाल तो टीवी देख रहे हैं अभी, और बाहर हो रही है झमाझम बारिश। सिम्बा से भी मिल लिए, सिम्बा से खेल लिए, इनको बहुत अच्छा लगा सिम्बा के साथ। देख सकते हैं आप, ये बारिश हो रही है और हम लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं। और अब ये लोग मोबाइल से गेम खेल रहे हैं दूर दूर बैठ के। हैदर दूर बैठा है और अरहान जोया अलग बैठे हैं, तो दोनों खेल रहे हैं। ये देखिए जोया के पापा की शरारत, ये पैर दिखा रहे हैं मुझे। और मैंने कहा ये जो पैर दिखा रहे हो ना, ये पैर अब हटेगा नहीं, ये पैर मैं अब दिखाऊंगी सबको। तो हंसने लगे, ऐसी शरारत करते हैं जोया पापा। तो बहुत ज्यादा शरारती हैं बच्चों के साथ, बच्चा हो जाते हैं जोया हैदर के साथ बिल्कुल। जोया हैदर तभी बहुत पापा पापा करते रहते हैं, घुले मिले रहते हैं इन लोगों से। तो गाइज, मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को बिगाड़ने में ज्यादा हाथ जोया पापा का है, क्योंकि बहुत इन लोगों को लाड़ प्यार करते हैं, इन लोगों के साथ बच्चा बन जाते हैं। और ये लोग मुझसे डरते हैं, तभी पापा से नहीं डरते हैं। तो अब हो गई है शाम और इन लोगों ने कह दिया था कि 6 बजे तक ले जाना, इतनी तेज बिजली कड़की थी। तो अभी ऐसे में तो मैं भेजूंगी नहीं जब तक रजनी भैया नहीं आ जाएंगे। मेरे भाई का नाम रजनी है घर का, तो जब तक वो नहीं आ जाएंगे जब तक मैं इन लोगों को ऐसे नहीं भेजूंगी। फिर चाहे मुझे जो है पापा के साथ भेजना पड़ता, मौसम बहुत खराब हो रहा है और छोटे छोटे तो बच्चे हैं ये, लेकिन उनका फोन आ गया था, उन्होंने कह दिया था कि मैं ले जाऊंगा, अकेले मत आना। बच्चे आराम से फ्री होकर खेल रहे हैं। अब मोबाइल से बोर हो गए तो सोच रहे थे ड्राइंग दिखें एक दूसरे की, तो अब ड्राइंग दिखा रही थी जोया। तो गाइस, आप देख सकते हैं अभी भी अरहान यही है और 6 बज रहा है, रजी नहीं आ रहे होंगे कभी भी लेने के लिए। एकदम दोपहर में जब ये लोग आए उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ खेले, फिर बारिश होने लगी। और बारिश फिर ऐसी बारिश नहीं हुई, तो बहुत खतरनाक वाली बारिश हुई। इसके अलावा बिजली फिर गिरी आज, कल भी गिरी थी, कल रात में आपको बताया था कि हैदर डर गया था, इस पर आज फिर गिरी है। बहुत तेज आवाज आई थी, अजीत सर भी बता रहे हैं वो यहीं बैठे थे, तो उन्होंने बाहर हबीब जी की दुकान में, तो उन्होंने भी मोबाइल ऑफ कर दिया था, इतनी तक से आज भी आवाज आई है। तो बिजली गिर रही है और हम जो है अपने वाई फाई भी बंद कर दिया था राउटर, और इसके अलावा उन्होंने मोबाइल सब रख दिए थे। और ये अरहान अरहान सब तो जोया हैदर सब एक के ऊपर एक चढ़ गए, मारे इतनी तेज आवाज आई थी। तो गाइज, आज जन्माष्टमी भी है और आज बता रहे हैं चेलम भी है, तो आज दोनों त्योहार हैं। और मेरा तो आज मतलब मैं मतलब अमीर जो ऐसी की मम्मी आंटी वो मिठाई बहुत अच्छी बनाती है, लड्डू वड्डू, और उनके आगे लड्डू खाए हैं मैंने, सब खाए, गुजिया भी खाई, सब खाया। अब मैंने ऐसी से पूछा, ऐसी मैसेज करके, ऐसी आज आंटी ने मेवा पाक बनाया हुआ, आज जन्माष्टमी के दिन मेवा पाक बनता है, तो ऐसी का मैसेज आया। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा आंटी ने कितना यम्मी टेस्टी बनाया होगा, मतलब आंटी के हाथों का स्वाद याद आ रहा था। लेकिन अगर
ऐसी होती शायद मैं आज चली भी जाती। आज तो मुझे बहुत, आज मेरा मन कर रहा था कि मेवा पाक खाऊं, वो भी आंटी के हाथ का। मेरा इतना मन कर रहा था खाने का, तो अगर आज ऐसी होती तो मैं ऐसी के घर आज आज मैं पक्के में जाती मेवा पाक खाने के लिए, क्योंकि मेरा आज मन कर रहा है वो भी मैं बनाने को। तो मैं बनाऊंगी, मैंने रेसिपी भी देख ली है और मैं बनाऊंगी, जल्दी बनाऊंगी। लेकिन आंटी बहुत अच्छा बनाती है, कुछ भी बनाती है। उनकी मिठाई मैंने खाई, उनका खाना खाया, बहुत हेल्दी टेस्टी बनाती है। तो मेरा मन मर कर रहा था कि आज आंटी के हाथ का मेवा पाक खाने का, जो मन ऐसी रह गया नहीं खा पाई, क्योंकि ऐसी है नहीं। और अब वो तो मुश्किल ही है आंटी के हाथ की चीजें खा पाऊं, क्योंकि अब जैसा कि वो बता रही है कि वो दूसरे शहर में आंटी शिफ्ट हो जाएंगी, तो ऐसी भी कम आएगी, तो अब मुश्किल ही है आंटी के हाथ का, हाथ की मिठाई खाना, आंटी के हाथ के लड्डू खाना। मतलब बस अब तो याद ही करते रहेंगे वो स्वाद कि आंटी कितना अच्छा बनाती थी और आंटी शहर में नहीं है अब, तो वो याद करूंगी मैं। और बस ये है कि आज बहुत, आज मेरा मन था कि अगर आज वाकई में अगर ऐसी होती ना, तो मैं आज तो पक्के में जाती। ऐसी बुलाती नहीं ना, तब तब भी मैं जाती आज। तो गाइज अभी आज मैंने बनाया था मशरूम पनीर, और जो है पापा बता रहे हैं कि बहुत यमी, बहुत टेस्टी बना है। मुझे तो नहीं मालूम है, क्योंकि कल से मुझे खाने का स्वाद ही नहीं आ रहा है, क्या बन रहा है, कैसा कुछ टेस्टी के लिए खा रही हूँ मैं, तो मुझे उसका भी टेस्ट नहीं आया। तबीयत खराब की वजह से मेरा गले में खराश तो कम हो गई है, लेकिन गला बिल्कुल चपा पड़ा है, तो इस वजह से अरहान के पापा कॉल होगा। तो गाइस अरहान जा रहा है, अरे वही होगा, 786 नंबर होगा लास्ट में। हाँ वही है, बाहर जाओ। तो अरहान के पापा यानी कि मेरे मामू के बेटे आए हैं दरवाजे पे लेने के लिए, तो अरहान जा रहे हैं। और अभी अभी लोग चले जाएंगे, 6 बजे का ही कहा था, तो 6 बजे अभी लोग, उन लोगों का जाने का टाइम हो। बहुत अच्छा लगा जब पापा चीज ले आए थे, इन लोगों ने चीज खाई और अभी लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी लोग चले गए हैं, अब जो है आपको बुरा लगेगा, जा रहे हो तो जा रहे हैं। अब कब आओगे पता नहीं, ये कह रहे हैं कि आप पता नहीं। तो अरहान जा रहा है, ये छाता लेकर आए थे अपना, छाता लेके चले अरहान। और अच्छा लगता है, बच्चे आ जाते हैं अपने, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, रौनक रहती है, जो है पापा को भी अच्छा लगता है जब ये लोग आ जाते हैं। तो गाइस आज बता रही थी मैं कि मशरूम और पनीर की सब्जी बनाई थी, जिसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, लेकिन जो है पापा तो बता रहे हैं बहुत यम्मी टेस्टी बनी थी आज, मसाले वाली दूसरे तरीके से बनाई थी ये, ज्यादा बता रहे हैं। उनको ये वाली भी बहुत अच्छी लगी, वो सादा बनाती मुझे अच्छी लगती, लेकिन ये वाली ज्यादा अच्छी लगी, तो ज्यादातर अब यही वाली बनाया करूंगी। हैदर ने भी बहुत लेट खाना खाया, मैं क्या करी, भूलने तो नहीं आ रही। हैदर में ये लोग आ गए थे, फिर मैंने हैदर से अरहान से पूछा, अरहान बोला नहीं मैं कढ़ी चावल खाया हूँ। तो मैंने कहा हैदर से आप खा लो, जब खा लिया मैं देख रही हूँ मोबाइल पे तो पानी नहीं गिर रहा है, तो मैंने हैदर से बोल दिया कि जब उसने खा लिया है तो आप भी खा लो। फिर हैदर ने खाना खाया, तो गए मैं अंदर जा रही हूँ, शाम की रोटी बनाऊंगी और खाना खाऊंगी बिना स्वाद के, क्योंकि जबान बता रही है स्वाद ही नहीं पता चल रहा है। लेकिन अब मैं जा रही हूँ अंदर, रोटी वोटी बनाऊंगी अब मैं। यहाँ पर मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले मैं गोश्त गरम कर दूँ जो कल मैंने बनाया था और थोड़ा सा बच गया था, तो फिर मैंने सोचा उसको गर्म कर दूँ और जो खाएगा तो खाएगा, जोया दादा से पूछ लूंगी, क्योंकि जोया मशरूम में ड्रामा करती है, खाती नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जिस तरीके के आज मैंने बनाए थे, उसकी ग्रेवी मैंने उसको दी थी, उसको उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगी थी बिना मशरूम और पनीर डाले हुए, तो वो उसने एक टाइम खा ली थी। तो मैंने सोचा कि अभी अभी इन लोगों को नहीं मालूम है कि गोश्त रखा हुआ है, क्योंकि तो इतना यमी टेस्टी बना था कि ये लोग मुझे पता है टूट पड़ेंगे। और ये जोया पापा लेकर आए मुरवाए का, ये देखिए 4 मुरवायता हैं, और ये तो बस इतने से हो जाएंगे। लेकिन जो है पापा का बहुत मन था काफी टाइम से मुरवायता खाने का, तो मैं उनके लिए बना दूंगी,
एक टाइम हो जाएगा, साथ में इसके कुछ और बना दूंगी। तो खाना कल का मेन्यू तैयार हो गया है कि कल क्या बनाना है। जो पापा को बहुत ज्यादा पसंद है मुरवायता, तो मिल गया अच्छा, तो वो ले आए, यहीं मिल गया होगा, सब्जी मंडी नहीं गए थे, वो ठेले से निकला होगा। अभी मैं रोटी बनाऊंगी, पहले ये गर्म करने को रख दूं और फिर बच्चों से पूछूंगी, ऑप्शन दूंगी क्या खाना है, पनीर मशरूम खाना है कि क्या खाना है। और मुझे मालूम है दोनों बच्चे यही कहेंगे कि ये खाना है, क्योंकि ये वाला गोश्त कढ़ाऊ जैसा होता है, और इसको अगर आप एक दिन रख दो ना, तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और शादी जैसा लगने लगता है। तो मुझे मालूम है कि अभी जब ये गर्म ही होगा तो इसकी महक उड़ने लगेगी और बच्चे सीधे किचन की ओर दौड़ के आएंगे कि क्या गर्म हो रहा है, पूरे में खुशबू महकने लगती है इसकी, और बहुत ज्यादा यमी टेस्टी बना था ये लोग बता रहे हैं। मैंने तो आपको बताया है, कल आपने वीडियो भी देखा है कि मुझे स्वाद ही नहीं लगा जो मैंने कल इतने मन से बनाया था। आज ये मशरूम पनीर भी मुझे स्वाद बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो बस चाय जरूर पता चल रही है गरम गरम अच्छी लग रही है, ये मीठी है, और कोई चीज का नमक मिर्च का स्वाद ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, मिर्च तक तीखी नहीं लग रही है इतनी मिर्ची डालने के बाद भी। तो हो जाता है तबीयत खराब में, मुंह कितना खराब हो जाता है कभी कभी, बस वही मेरा हाल चल रहा है। और खाना खाने का तो मन कर ही नहीं रहा है, मन कर रहा है कि बस मीठा खा लो और पेट भर लो। और जब मीठा मैं बनाती हूँ तो इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है, जो पापा मीठा ले आते हैं, दो तो तीन तीन चीजें मीठी होती है, और जब मैं नहीं बनाती हूँ और मन करता है तो कुछ भी मीठा नहीं होता है। अब ऐसी बात नहीं है कि अगर जो पापा वो ना बताओ तो वो ना लेकर आए, लेकिन अब उन्हें मन में तो वो नहीं जान सकते कि मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। तो मुझे तो मीठे की क्रेविंग होती रहती है, और मैं जो पापा को नहीं बता रही, फिर मन में यही सोचने लगती हूँ कि क्या बना लूँ, घर में सब तो रखा है, क्या बना लूँ मीठा। लेकिन तबीयत भी सही हो, तबीयत इतनी सही नहीं है मेरी कि मैं बनाऊं और काम फैलाऊं, वीकनेस है, तो ये बुखार वाली ये ऐसी तबीयत तो और मुझे उलझन दे देती है, कमजोरी कमजोरी तो चल जाती है, लेट जाओ फिर उठ जाओ कर लो लेट जाओ, लेकिन ये गले में दिक्कत वाली तो और ज्यादा खराश हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, तो मन नहीं होता है कुछ और करने का। तो मैंने बच्चों से पूछ लिया है और बच्चों ने मुझे जवाब दे दिया है कि वो खाएंगे गोश्त, वो नहीं खाएंगे मशरूम पनीर। तो मैंने कह दिया कि अब मैं खाऊंगी और पापा खाएंगे मशरूम पनीर, और आप लोगों को गोश्त का ऑप्शन दिया, दोनों का दिया था, तो उन लोगों ने गोश्त ही चूज किया है। तो गरम कर रही हूँ और गरम गरम बना दूंगी रोटी जल्दी से, और दोनों को सबसे पहले खाना दे दूंगी। मैं खाऊंगी, जोए पापा आएंगे तब, तो अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, बच्चे खाना खा चुके हैं, खाना खा के बच्चे ड्राइंग करने बैठ गए, और मैं जब ही खाऊंगी, अब जब जोए पापा आएंगे तो गरम करूंगी, तो उनको दे दूंगी, तभी मैं खा लूंगी, क्योंकि जैसा कि बताया तबीयत खराब की वजह से भूख वूख नहीं लग रही है। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सोचा बिस्तर लगा दूं क्योंकि बारिश हो रही है, उस वजह से पापा भी फिर जल्दी घर आ जाएंगे, नहीं तो अभी 8 बज रहा होगा, नहीं तो अब 8:30 9 बजे तक आते हैं, लेकिन मुझे मालूम है आज जल्दी निकल भी गए थे, आज वो जल्दी चले गए थे बाहर, जल्दी आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं बिस्तर लगा दूं, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, जब वो आएंगे तो उनको खाना गर्म करके दूंगी और खुद खा लूंगी, उसके बाद फिर वही बर्तन, और बर्तन के बाद फिर चाय। तो यहाँ जो है पापा के देखे, आप देख सकते हैं बिस्तर लगाने की तैयारी हो गई है। और देखिए मैं सही कह रही थी, बिल्कुल सही अंदाजा था, मैंने बिस्तर लगाने की सोची रही थी, और जो है पापा आ गए। तो गाइस आज हेलो को नॉन स्टॉप खांसी फिर आ रही है, और गला तो मेरे भी दिक्कत है, लेकिन ये खराश बिल्कुल चली गई है, लेकिन गले में दिक्कत है, अभी भी असर है, और हरारत भी नहीं है मुझे, लेकिन सब घर में मौसम की वजह से बीमार पड़े हुए हैं, मौसम बहुत ज्यादा खराब है,
यहाँ हम लोग की हालत खराब है, वहां हैदराबाद से बहन आई है। सोचा था जब वो आएगी तो घूमेंगे फिरेंगे और मस्ती करेंगे, मजे करेंगे, बहुत सारी चीजें। तो मैंने सर जी से कहा था कि जब तुम आओगी फिर चलेंगे, फिर चलेंगे। लेकिन वो जब से आई है, जब से खुद इतनी बीमार है कि कहीं जा भी नहीं पा रही है, और उसको भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, जुकाम हो गया है, मौसम चेंज हुआ है वहां पर। मौसम जो था फिर यहाँ पर एकदम गर्मी हुई, फिर एकदम ठंडा हो गया, तो मौसम इतना बदला है कि उसकी हालत और खस्ता हो गई है, उसको और प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं भी वो जा भी नहीं पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो मौसम की वजह से सब हो गया। और बस वही है कि हम लोगों को किसी में भी चैन नहीं रहता है। जब अच्छा होता है मौसम तो भी हम लोग कहते हैं, अब बुरा होता है तो भी कहते हैं। और मौसम क्या क्या कहें, मौसम में तो अब तो पता ही नहीं चलता है कब तो ठंडा है कब गर्म है, अब तो सब कुछ भी हो जाता है। पहले तो एक चलता आता था कि बरसात चल रही है, तो फिर ऐसा नहीं, धुआं गर्मी हो रही है, एकदम पसीने में नहा जा रहे हैं, और शाम को एकदम ठंडा हो रहा है। तो वो चीज दिक्कत कर रही है, हैदर को बार बार खांसी आ रही है, या मम्मी खांसी नहीं हो रही, सही हो रही है, या मेरी बहन आई है वो परेशान है, वो बिल्कुल भी मम्मी पास आके एंजॉय नहीं कर पा रही है। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। आज चेल्लम और जन्माष्टमी दोनों त्योहार हैं, और आज मैंने आंटी के मेवा पाक को बहुत याद किया। क्रेविंग हो रही थी, और यही क्रेविंग हो रही थी कि आंटी ने कैसा बनाया होगा, यही फिर से आंटी ने बहुत अच्छा बनाया होगा आज, क्योंकि मुझे पता है आंटी के, आपको बता भी चुकी हूँ पहले, कितने अच्छे लड्डू उड्डू बनाए। तो उन्हीं के हाथ के खाने की आज मुझे क्रेविंग हो रही थी कि मतलब मैं जो पापा की शाम पर, मैंने कहा आज आंटी ने मेवा पाक बनाया है, और मैं तो सोच ही रही थी कि बनाया होगा। फिर मैंने अशु से पूछा तो अशु ने रिप्लाई आया, हाँ बनाया है। तो मैं सोच रही, मैं जो पापा से रहती हूँ, कितना अच्छा बनाया होगा, सोचो लड्डू इतने यम्मी बनाती है। तो पापा को भी लगा, हाँ, कहने लगे हाँ यम्मी बनाया होगा उन्होंने। तो क्रेविंग हो रही थी, और यही क्रेविंग हो रही थी कि आंटी के हाथ का मेवा भात खाना है। बस यही है कि पता नहीं क्यों कभी नहीं हुई अशु इतने साल रही, कभी मैंने उसको जन्माष्टमी में नहीं कहा है कि अशु आंटी ने मेवा भात बनाया है, मैं आ रही हूँ खाने, कभी नहीं। लेकिन अब मुझे यानी कि आज लगा, और मैंने बहुत मिस किया जन्माष्टमी वाले दिन, मैंने आंटी के मेवा भात को याद किया, और मुझे क्रेविंग हुई बहुत ज्यादा कि आंटी के हाथ का खाना है। चलो अब मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी और खाऊंगी बना के एक दो दिन में, क्योंकि मैंने पूरी रेसिपी देख ली थी, बहुत इजी होता बनाना। लेकिन फिर मैंने वो स्किप कर दिया, मैं सोच रही हूँ कि वो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं बनाऊंगी अब मखाने के लड्डू, क्योंकि हड्डी हड्डी मेरी बहुत ज्यादा दर्द है, जोया के पापा को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है बदन में दर्द होना। तो मैं सोच रही हूँ मखाने के लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग कोई भी ऐसा कैल्शियम का स्रोत नहीं लेते हैं जिससे कैल्शियम पहुंचे, और कैल्शियम की कमी होती जा रही है, मुझे तो पक्के में हो रही है, 110% हो रही है, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा है, घुटने दर्द होने लगे हैं, पैर दर्द रहने लगे हैं। तो मैं सोच रही थी अब मखाने के लड्डू मैं बनाऊंगी। आज मैंने देखे भी ऑनलाइन तो मुझे सही लगे, तो मैं सोच रही थी कि अब यही बनाना है। तो मैंने मेवा पाक को स्किप कर दिया, और वैसे भी मुझे आंटी के हाथ के खाने की क्रेविंग हो रही थी, अपने हाथ की नहीं। तो अब मैं बनाऊंगी मखाने के लड्डू, जल्द ही बनाऊंगी, जिस दिन मखाने रोस्ट हो गए उस दिन बनाऊंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा आलस मुझे आने वाला है मखाने रोस्ट करने में। तो वो रोस्ट हो जाएंगे तो अपने लिए और जो है पापा के लिए, दोनों के लिए बनाऊंगी, बच्चों के लिए बनाएंगे। बच्चे भी दूध बहुत कम पीते हैं, ना के बराबर ही पीते हैं, तो बच्चों को भी कैल्शियम मिलेगा, क्योंकि मखाने में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, और प्योर कैल्शियम मिलेगा, क्योंकि दूध में तो मिलावट का दूध रहता है। खैर मेरे यहाँ जो आता है वो मिलावटी नहीं आता है, वो प्योर आता है, लेकिन जो कैल्शियम मखाने में रहता है वो बिल्कुल आपको प्योर ही मिलेगा, तो सबसे अच्छा ही है। तो मैं बहुत जल्द बनाने वाली हूँ। तो गाइज मैं बहुत थक गई हूँ, जाके चाय पीऊंगी आराम से। अभी तो मैंने एक आध पीसी यहाँ आपके सामने ली है, लेकिन अब मैं जाऊंगी, जो पापा सब लोग, ये लोग टीवी देख रहे हैं तो उन लोग के साथ, तो मैं अब चाय पीऊंगी, टीवी देखूंगी, फिर वही लेटना है, सुबह बच्चों को स्कूल जाना है। तो जो पूछ रही थी कल टिफिन में क्या देना है, तो अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है,
जो भी होगा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ हाल चाल बना देंगे। कुछ खिलौने उलौने वाला काम मुझे करना नहीं था आज, कि कुछ फुलाऊं बेगों और उसके बाद बनाऊं। तो गाइज वो तो मैंने अभी दिमाग में कुछ आ रही है खुराफात, कुछ बना सकती हूँ मैं बच्चों के लिए बढ़िया सा, तो देखती हूँ क्या बना सकती हूँ क्या नहीं बना सकती हूँ। सो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।